राजस्थान में 3 सितंबर को राज्यसभा की खाली एक सीट पर चुनाव तय है, लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ने ही नाम तय अभी तक नहीं किए। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, वो सीट केसी वेणुगोपाल की है जो कांग्रेस के खाते में थी। अभी तक आंकड़ा 6-4 का है, जो संभावित है 5-5 हो जाएगा, क्योंकि बहुमत राजस्थान में बीजेपी के पास है और राज्यसभा में सदस्य के जीतने का तय मापदंड कांग्रेस पूरा नहीं कर रही है। एक कयास तो ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार लाएगी या नहीं। ये कयास इसीलिए हुआ क्योंकि निर्दलीय विधायकों की एक बैठक हुई, वो बैठक नहीं कही जा सकती, भोजन हुआ। लेकिन सियासी हलकों में जब भी नेता मिलते हैं तो वजह है, कुछ ना कुछ तो होती है, और ये वजह संभवतः राज्यसभा चुनाव रहे होंगे। लेकिन फिर भी कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन नाराज लोगों की अगुवाई साथ अगर इस दौर में मिलता है तो खेल पलट सकता है। लेकिन ऐसा कोई चाणक्य फिलहाल राजस्थान की राजनीति में सक्रिय नहीं है जो बीजेपी के खेल को बिगाड़े। तो यहां पर पहले ही पायदान पर कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी में घमासान है। अनार एक है, बीमार 100 है, यानी राज्यसभा की सीट एक है और दावेदार इतने, उम्मीदें इतनी हावी कि उन्हें लगता है कि मोदी से नजदीकी का एकमात्र रास्ता अब राज्यसभा होकर गुजर रहा है। राजस्थान में सत्ता के समीकरण जब से बदले हैं तब से कई बड़े नेताओं ने हाल देख लिए हैं, ऐसे में वो अपनी भूमिका अब राजस्थान की बजाय दिल्ली में ज्यादा प्रभावी करना चाहते हैं, ताकि दिल्ली से जो चला हुआ डंडा है वो यहां पर अधिक कारगर होगा, प्रशासन में, शासन में, ब्यूरोक्रेसी में और नेताओं के लहजे में भी। खैर, बात राज्यसभा चुनाव की है, 3 सितंबर तारीख तो तय है, लेकिन यहां पर राजनीति भी उतनी ही गरमाई हुई है। यहां एक बात मैं तय कर दूं कि राजस्थान का कोई भी नेता इतना सक्षम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है जो ये तय कर दे कि राज्यसभा में ये व्यक्ति जाएगा, यानी टिकट ऊपर से ही आनी है, ऊपर यानी मोदी या शाह या दोनों मिलकर। खैर, नाम जिसका आएगा वो किस्मत तो लिखाकर लाएगा ही। चर्चा चल रही है कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दोनों विधानसभा चुनाव हार गए थे, लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने के उम्मीदवार दावेदारों में से थे, लेकिन दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिली, दोनों ही बैकफुट पर रहे, लेकिन राज्यसभा उन्हें दिख रही है। ऐसे में उनके राजनीतिक कैरियर को नई उड़ान देने के लिए दोनों ही दावेदार सक्षम भी हैं, ताकतवर भी, और अपने आप को इस पद के योग्य भी मानते हैं। खैर, चयन यहां नहीं होना है, ऐसे में दिल्ली की दृष्टि उन पर पड़नी जरूरी भी है। वहीं महिला के लिहाज से अगर बात की जाए तो भी दावेदार कई हैं, लेकिन अलका गुजर बाजी मारती हुई दिखाई देती है क्योंकि संगठन के लिए इन्होंने काम किया है, लेकिन उनकी पार पड़ेगी या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा रवनीत सिंह बिट्टू का नाम जबरदस्त तरीके से यहाँ चल रहा है, उसकी वजह ये भी है कि बिट्टू को जिताकर तो भेजना है, कहां से ये अभी तय नहीं हुआ है। राजस्थान मुफीद नजर आ रहा है क्योंकि जिस इलाके में संभावित वोटर बैंक दिखाई दे रहा है उनमें रवनीत सिंह बिट्टू भी दिखाई दे रहे हैं, और 100 बीमार वाली एक अनार वाली जो कहावत है उनमें रवनीत सिंह बिट्टू बाहर से आने वाले उम्मीदवार भी हैं। ऐसे में कोई ज्यादा विरोध दिखाई भी नहीं देगा और कोई नाराज भी नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में जातिगत समीकरण बीजेपी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह विधानसभा चुनाव भी रहे, जहां अधिक सीटें, उम्मीद से ज्यादा सीटें कांग्रेस लेकर आई, और लोकसभा चुनाव में तो हश्र आपने देख ही लिया कि कैसे इंडिया गठबंधन अपनी 25-0 के सूखे को खत्म करने के साथ दमदार वापसी करता हुआ नजर आया। ऐसे में अब राज्यसभा चुनाव में बाहर से अगर किसी को लाया जाता है तो कांग्रेस भी सवाल नहीं उठा पाएगी, क्योंकि राजस्थान तो राज्यसभा बाहर के उम्मीदवारों के लिए ही बना हुआ है। यहां तक कि सोनिया गांधी भी राजस्थान से ही राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हो चुकी हैं। ऐसे में ज्यादा विरोध भी नहीं होगा कि कोई बाहरी उम्मीदवार आया है, लेकिन क्या राजस्थान के नेताओं के मंसूबे को, उनकी उम्मीदों को यहां आयतित उम्मीदवार खत्म कर देंगे, ये बड़ा सवाल राजनीति में है। बीजेपी के नए नवेले प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी साफ कर दिया है कि
उम्मीदवार तय ऊपर से ही होगा, भले ही प्रक्रिया यहां से चलेगी। वो प्रक्रिया में किन किन के नाम जाएंगे ये तय करने के हिसाब से, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन सुझाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के माने जाएंगे, मदन राठौर के, या उन नेताओं के जो है तो किनारे लेकिन सत्ता में पूरा दम भरते हैं। उन नेताओं का नाम भी मैं यहां पर लिए देता हूं, बात चाहे ओम बिरला की हो, भूपेंद्र यादव की हो, गजेंद्र सिंह शेखावत की, वसुंधरा राजे की। वहीं कई ऐसे भी नेता हैं जो चाहते हैं कि दिल्ली में उनकी सुनवाई सत्ता या संगठन यानी आरएसएस या मोदी सरकार जहां भी है वहां पर एक मैसेज तो दे दिया जाए कि हम दावेदार हैं या हमारे नजदीकी हैं, इनको भेजा जाए। एक और मुसीबत बीजेपी के सामने है, वो संकट है 6 सीटों पर उपचुनाव। पहले 5 सीटों पर थे, अब 6 पर होंगे, क्योंकि एक दुखद घटना राजस्थान में बीजेपी के सदस्य के परिवार के साथ घट चुकी है। ऐसा में एक निधन के बाद उनकी सीट खाली हो गई है। ऐसे में जब उपचुनाव होंगे तो वो सीट भी शामिल मानी जाएगी। 6 सीटों पर उपचुनाव है, ऐसे में किसी एक जाति को नाराज करने के मूड में राजस्थान बीजेपी नहीं है, क्योंकि जाट, गुजर, मीणा और अल्पसंख्यक के लिहाज से मुस्लिम समुदाय ये बड़ी भूमिका निभा चुका है लोकसभा चुनाव में। अब क्या होगा, क्योंकि राजपूत, ब्राह्मण इस वोट बैंक के आधार पर क्या उपचुनाव जीते जाएंगे? रिकॉर्ड इस बार अलग तरीके से बनाना है। 3 हार हो चुकी हैं, चाहे वो मंत्री बनाए गए विधायक का चुनाव लड़ रहे नेता की हार की हो, या फिर लोकसभा चुनाव में मिली करारी पराजय। और अब जब स्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं, तो संभावित आंकड़ों को बदलने के लिहाज से समझा ये जा रहा है कि राजस्थान की राजनीतिक गणित में ज्यादा कोई अब प्रयोग ना किए जाएं। इन प्रयोगों के आधार पर राज्यसभा सीट होगी, क्योंकि राज्यसभा की चयन के बाद उपचुनाव में राजस्थान की बीजेपी या कांग्रेस जाएगी। मुद्दा किसी भी व्यक्ति के चयन का या नकार दिए जाने का बनेगा। इन तमाम मुद्दों पर राजस्थान की सियासत भी टिकी हुई है, और सियासत इसीलिए भी है कि सीएम भजनलाल की सरकार जो भी नवाचार कर रही है उनमें कमियां ढूंढने वाले पराए तो है ही, यानी विपक्ष तो है ही, अपनों की नजर भी जरा टेढ़ी बनी हुई है, जो संकट पैदा कर रही है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो बेहतर हैं, जिनका प्रायोगिक तौर पर देखा जाए तो राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष के ही सदस्यों की सक्रियता नहीं होने से, उनके मुखवंदन से प्रशंसा नहीं निकलने के कारण वो योजनाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती भी है, और ये केवल जातिगत समीकरण की बात नहीं है, ये राजनीतिक वर्चस्व की भी बात है। ऐसे में राज्यसभा की सीट कई मायनों में ये तय कर देगी कि राजस्थान बीजेपी की दशा और दिशा किस तरफ है। एक चुनौती राजस्थान की सरकार के साथ चल रही है, वो है डिलीवरी देने की, शासन में, प्रशासन में, कानून व्यवस्था में। विधानसभा सत्र के दौरान जो हाल रहे वो किसी से अछूते नहीं है। विधानसभा सत्र की समाप्ति भी एक घटना के साथ हुई, जिनमें कांग्रेस के विधायक को निलंबित कर दिया गया। ऐसे में चुनौतियां बरकरार है, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सीएम भजनलाल भी रेडी हैं, लेकिन कितनी सपोर्ट उनके मातहतों यानी ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों, मंत्रिमंडल के सहयोगियों और भाजपा के सदस्यों से मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। राज्यसभा में जो नाम मैंने लिए हैं उनके अलावा भी चौंकाने वाला नाम आ सकता है, लेकिन राजस्थान की जनता अब चौंकती कम है, चौंकाती ज्यादा है। राजस्थान चौक के आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी नजर में राज्यसभा कौन जा सकता है। फिलहाल के लिए अंकित तिवारी को दीजिए इजाजत, मिलेंगे, नमस्कार।